हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि अब इस घर में आए को हमें कुछ महीना डेढ़ महीना हो गया है और अब हम थोड़ा सेटल्ड फील कर रहे हैं। इस घर में काफ़ी सारी चेंजेस है जो हमें अपने अकॉर्डिंगली करवानी है, लेकिन और हमने ये डिसाइड किया कि हम सब कुछ खुद ही करेंगे। तो जो सबसे पहले चेंज हमने डिसाइड की है, जो हमने करना है, वो है हमने अपनी बेसमेंट को बदलना है। और आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा कि बेसमेंट को लेकर डिबेट चल रही थी कि वहाँ पर होम थिएटर बनाया जाए या डांस स्टूडियो बनाया जाए। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि वहाँ पे होम थिएटर बन रहा है, डांस स्टूडियो नहीं बन रहा। और उसका कारण ये है कि मैं चाहती थी कि अगर मैं वहाँ पे अपनी डांस वीडियोस शूट कर पाऊँ, लेकिन हमने जब वीडियोस शूट करके देखी तो वो वीडियोस शूट नहीं हो पा रही, जगह कम है और प्रॉपर लाइट भी नहीं है। तो अभी इस टाइम पर हमारे बेसमेंट में सिर्फ एक चेयर पड़ी है, कुछ फर्नीचर नहीं है। तो जो सबसे पहले फर्नीचर लाने से भी पहले जो सबसे पहले काम करना है, वो करना है कि हमने अपनी वॉल्स का कलर चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे लॉकडाउन है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्टोर में जाके हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो उसके सैंपल लेके आ सकते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन ही चेक किया जाएगा। तो बस अभी मैं ऑनलाइन कलर्स चेक करूँगी और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जाके वो उसके सैंपल्स लेके आएंगे। हालांकि दीवारें जो होती है लिविंग एरिया की लाइट ही होती है, लेकिन हम डार्क कलर करेंगे क्योंकि एक तो बेसमेंट है और ऊपर से मूवीज का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है डार्क कलर की वॉल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्ट बेसमेंट। हमारे सैंपल्स आ चुके हैं, बस अब हम इसको अपनी वॉल पे लगा के देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। आज रात को देखेंगे, कल सुबह देखेंगे, कल रात में भी देखेंगे कि फर्क लगता है, दिन में कैसा लगता है, रात में भी लगता है। अब इसको हम लगाते हैं। लेने जा रहे हैं अपने पेंट के लिए। पिछले 3-4 दिनों से मेरे हस्बैंड ऑनलाइन काफ़ी पढ़ रहे थे कि क्या क्या चाहिए। अब हमने वो पूरी लिस्ट पहले बना ली और आज सुबह ही हमने ऑर्डर कर दिया है। मैंने तो क्या किया, हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको स्टोर के अंदर वैसे ही अलाउड नहीं है क्योंकि स्टोर बंद है कोविड की वजह से, कि बस आप अपनी गाड़ी में आओ, कर्ब साइड पिकअप करो और आपकी गाड़ी में ही आपको सारा सामान मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है, कोविड की प्रोटेक्शन भी है और ठंड से भी बच जाए। और अब हम होम डिपो जा रहे हैं, जो थोड़ा सामान हमारा रह गया वो यहाँ की कर्ब साइड पिकअप से पिक होगा। तो अब हमारा सारा सामान आ चुका है, सारे टूल्स आ चुके हैं। तो ये जो सबसे पहले है, ये नीचे शीट बिछानी है पेंट करने से पहले, और इसमें हम अपना पेंट करके ये जो रोलर में पेंट डाल के और उसको एक बार जितना एक्स्ट्रा इसमें कर देना, ये वो ट्रे हो गई। ये जो हम होल्स होंगे दीवारों में उसको भरने के लिए कि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए दीवार, ये है स्पैकलिंग जिससे वो हम होल्स को भरेंगे। ये है हमारी टेप, ड्राई वॉल टेप, हमें जितने भी ये जो हमारे स्विचेस वगैरह हैं इसको आउटलेट्स को कवर करने के लिए। ये होगी किलें जो हम ड्राई वॉल में अभी लगाएंगे। ये फेवरेट पार्ट, ये जो इसके ऊपर रोलर के ऊपर लगेगा ये ब्रश। ये भी ये किसके लिए है ये भी पता, ये मुझे नहीं पता किसके लिए है। ये जो है ये टेप है, ये हम यहाँ कॉर्नर्स पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे बोर्ड्स पे पेंट ना लगे। ये रहा हमारा पेंट ब्रश और वो रही हमारी पुट्टी ब्रेक मार्क। तो अभी भी दीवारों पे हमारे पेंट चिप्स लगे हुए हैं, अभी भी हमारा इस पर वार्तालाप चल ही रही है। हमारा अभी तक कौन सा पेंट करना है वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे पहला काम है, ज़्यादा फर्नीचर है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि हमें पता था कि ये हमने करना है, बट जितना भी है अब हम सबको उसको निकाल दें। अब सब कुछ खाली हो चुका है, मतलब सब कुछ हमने साइड पे कर दिया और जैसे बेसमेंट हमें मिली थी बिल्कुल खाली वैसे हमने कर दिया। बस अब हम शुरू करते हैं अपना प्रेप वर्क। इतनी सारी किले दीवार पे लगी हुई थी और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो अभी रात के बजे गए कुछ 11 और अभी हमें दो काम करके सोना, जो किले निकाली है उसमें स्पैकलिंग भरनी है और दूसरा ये आउटलेट्स को हमने कवर अप करके इसमें स्विचेस लगाने हैं। थर्सडे रात है, हम चाहते हैं कि सैटरडे को पेंट करना है हमने, उससे पहले जो भी हम टचअप कर सकें वो कम्प्लीट कर दें अपने। बच गए एक और
जो दो काम थे उसमें से हमारा एक काम भी अभी अच्छे से नहीं हुआ, पता लग रहा है कि हम पहली बार कर रहे हैं, बट अब हालत बहुत खस्ता हो चुकी है और अब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चले अब हम जो हमारी आखिरी चीज रह गई थी, या मैं बोलूं जो आखिरी और मेन चीज रह गई थी, वो लेने आए हैं हमारा पेंट, और इसके साथ हमारा सब कुछ, सारी सप्लाई, सारे टूल, सब कुछ पूरा हो जाएगा। Now all set paint करने के लिए मैं बहुत ज्यादा excited हूँ कि मैंने कभी पहले नहीं किया, first time है, hopefully it turns out good.
कुछ हमें 3.5-4 घंटे लगे ये सारा करने में, हमें अभी अच्छा लग रहा है। इस दीवार पे थोड़ा ब्लूइश टोन आ रही है, इसमें ग्रे टोन आ रही है, तो जैसे जैसे सूख रहा है तो उस हिसाब से वो थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है लाइट भी चेंज हो रही है, अब दिन ढलता जा रहा है, तो रात को एक्चुअल में पता लगेगा कि कैसे है। बट हमें 3-4 घंटे सूखने के बाद फिर हम आएंगे अपना फाइनल कोट करने। हमारी 3 दिन की मेहनत ख़त्म हुई, हमारी पूरी बेसमेंट जितनी बेसमेंट हमने पेंट करनी थी। मैं बोलूँगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम पेंट किया और बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ A to Z सब कुछ किया। और जब हम पेंट करना शुरू किया था मुझे लगा ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है। अब इसकी अपग्रेडेशन होनी है इस बेसमेंट की, इसके लिए लेकिन आपको 1 हफ्ते वेट करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस बेसमेंट में अपनी और क्या एडिशन कर रहे हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस।